बिलियनियर मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी ने रिसेंटली अपने बारे में कुछ अनजाने रहस्य से पर्दा उठाया खुद से ही इंटरव्यू में। दरअसल वॉक को दिए गए इंटरव्यू में ईशा अंबानी ने कई राज से पर्दा उठाया है। ईशा अंबानी पिरामल आनंद पिरामल से शादी के बाद जिस तरह से अपनी जिंदगी जी रही हैं, जिस तरह उन्होंने खुद को मेंटेन किया है, अपनी लाइफस्टाइल को और अपने बिजनेस के साथ जुड़ी हैं, वो कई लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करती हैं ईशा। खैर, यहाँ पर ईशा के कई खुलासे हैं जो हम आप सबके बीच करना चाहेंगे। ईशा ने शुरू किया अपने हस्बैंड को लेकर जो राज खोला कि बहुत ही ज़्यादा बेहतर सेंस ऑफ ह्यूमर है उनके हस्बैंड आनंद का। अगर बात करें तो आनंद पिरामल के बारे में ईशा का ये कहना है। इसके अलावा ईशा अंबानी ने बताया कि उन्हें लेकर कई तरह की मनगढ़ंत कहानियां लोग बनाते हैं, उनके बारे में गलत फहमियां लोगों के मन में है। वो गलत फहमी ये है कि लोग सोचते हैं कि वो हमेशा नाइस और फैंसी क्लोज पहनती है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। कॉटन सलवार कमीज पहनती है वो ज़्यादातर आपको बता दें सिंपल रहना पसंद करती हैं। लोगों को लगता है हमेशा वो रॉयल ड्रेस पहनना पसंद करती हैं। उनके ग्रैंड प्लान के बारे में बात करें तो ईशा ने ये रिवील किया कि वो बिग डिफरेंस में बनाना चाहती हैं वर्ल्ड में पॉजिटिवली। जी हाँ, ईशा अंबानी ने हिलेरियस टेक भी लिया अपने शटल रूटीन्स ऑफ मदरहुड एंड वर्क को लेकर। जी हाँ, अपने बच्चों के बारे में बात की उन्होंने, कृष्णा और आद्या शक्ति उनके ट्विंस बच्चे जो हैं उनके बारे में ईशा ने बताया है। जी हाँ, मेट गाला 2023 में जिस तरह वो रेड कार्पेट पर कह ढाती नजर आई, लोग उनकी काफ़ी तारीफ करते नजर आए। ईशा ने काफ़ी ज़्यादा अपने बच्चों के बारे में बात करते हुए हंसते हुए कहा। वो अपनी सिस्टर इन लॉ श्लोका मेहता और उनकी बहन दिया मेहता इनके साथ काफ़ी क्लोज है। ईशा अंबानी ने ये बताया है कि वो कैसे अपने बच्चों को लेकर पूरी तरह से व्यस्त रहती हैं। जी हाँ, वहीं इसके अलावा ईशा अंबानी ने नेटवर्थ को लेकर भी बात की है। जी हाँ, एलए मैंशन को सेल करने के बाद उनका नेटवर्थ काफ़ी बढ़ा है। बेन एफ्लेक और जेनिफर लोपेज को जब उन्होंने अपना एलए मैंशन सेल किया उसके बाद 2024 मार्च में उनकी सेलिंग को लेकर रिपोर्ट्स आई कि 494 करोड़ रुपए में एलए मैंशन के सेल होने की सरफेस हुई थी ऑनलाइन रिपोर्ट्स। इस पर ईशा ने बताया कि वो ज़्यादा टाइम जो प्रेगनेंसी के दौरान घर पर गुजार रही थी तो नीता अंबानी उनकी मां के साथ वो वक्त गुजार रही थी। 5 साल लिस्ट बनाया था उन्होंने सेल के लिए। हॉलीवुड कपर बेन अफ्लेक और जेनिफर लोपेस ने उसे खरीदा और एक्सचेंज में 508 करोड़ रुपए दिए। जी हाँ, यहाँ आपको बताना चाहेंगे अब 835 करोड़ रुपए की संपत्ति की मालकिन है ईशा, जो 4.5 करोड़ के आसपास साल भर में कमाती हैं रिलायंस रिटेल की डायरेक्टर के तौर पर। और एक रिपोर्ट्स की माने तो एलए होम को उन्होंने वोपिंग अमाउंट में सेल किया जिससे उनका नेटवर्थ काफ़ी ज़्यादा ही इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट 9 लाइव से तृप्ति की रिपोर्ट।